हाय, गुड आफ्टरनून। या मैंने मॉर्निंग से कोई भी व्लॉग स्टार्ट नहीं किया और मेरे चश्मे पे शायद कुछ लगा है। या हम लोग मीन्स मैं और मेरे हस्बैंड कल ही लौटे हैं। कल रात को 8 बजे, सॉरी, 7:30, 7:45 ऐसा होगा, 7:30 बजे लौटे हैं। हम लोग बनारस घूमने गए थे। घूमने इन द सेंस, हम लोग घूमने तो नहीं गए थे, कोई भी प्लान नहीं था। मैं एक्चुअल में इससे पहले भी मैंने बताया है कि मैंने वहाँ पे जाके डॉक्टर दिखाया, क्योंकि मेरे जो गले का प्रॉब्लम थी, मेरे जो इस साइड का जॉ का प्रॉब्लम थी, वो ठीक नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर दिखाए, दवाई खाई, बट ठीक नहीं हो रहा था। तो यस, तो वहाँ पे जाके डॉक्टर दिखाया। एक्चुअली मेरा जो प्लान था, बता देती हूँ, मेरा जो प्लान था, मैं घर जाने वाली थी डॉक्टर दिखा के। फिर मेरे हस्बैंड मुझे जाने नहीं दिया। वो बहाने ढूंढते रहे कि जाना है, जाना पड़ेगा, जाने 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 की ज़रूरत है। मतलब ठीक है, चलो 1 महीने का पैकिंग कर लो, ऐसे करके बात कर रहे थे। तो मैं जानती थी वो मुझे जाने नहीं देंगे। और जाने का प्लान था मेरा, मैं वहाँ पे डॉक्टर दिखा के फिर वहाँ से फ्लाइट लेके चली जाती। और हाँ, वहाँ पे गई तो थी, तो सावन चल रहा था, तो ये मेरा लास्ट सोमवार था। हाँ, बंगाली का एक हफ्ते लेट में चल रहा है, क्योंकि आप लोगों का एक हफ्ते आगे था। तो या तो हम लोग ने वहाँ पे दर्शन किए, थोड़ा सा आसपास घूमे। मैं जो ये वीडियो में डालूंगी, इसके बाद का वीडियो, आज का वीडियो तो जन्माष्टमी वाला, स्पेशल जन्माष्टमी वाला है। तो या हम लोग कल लौटे डॉक्टर वगैरह दिखा के, मैं बैठ जाती हूँ। हाँ, मैंने आज कुछ खाया नहीं, मतलब खाया है चावल या रोटी, कुछ नहीं खा सकते आज। मैंने साबूदाना खाया है, साबूदाना, और उसके साथ थोड़ा सा मिल्क पाउडर, चीनी और बनाना, और थोड़ा सा चना मिक्स करके उसको खाते हैं। तो वही खाया है, बहुत बस अच्छा नहीं लग रहा है। या मैं आज क्या रैंडमली बातें कर रही हूँ ना। बातें नहीं करना चाहती हूँ। तो आज है जन्माष्टमी, और हाँ, मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, शायद इसलिए मेरे आँख थोड़ा सा बंद हो रही। हाँ, आज है जन्माष्टमी। सो या आज मेरे घर पे, मतलब मैं जन्माष्टमी सेलिब्रेट करती हूँ बहुत बहुत अच्छी तरीके से। और आज जो टाइम पड़ा है, शाम को 6 बजे से कल तक रहेगा। कोई कोई आज कर रहा है, कोई कोई कल कर रहा है, तो मैं आज ही करूँगी, क्योंकि आज का दिन मतलब सोमवार है, तो मुझे लगा कि आज ही कर लेते हैं, आज अच्छा है। तो मेरे घर पे बाल गोपाल जी गए, तो मुझे तो करना ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारे अरेंजमेंट कर लिया है, बट बहुत सारे हैं जो कल हम लोग शाम को आए हैं, तो बहुत कुछ अभी तक नहीं हो पाया है। जो आज हम शाम को मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं कर लूँगी, और बाकी सब मैं करके रखूँगी। तो या सो शाम को अच्छी तरह से तैयार होके आपसे मिल लूँगी। और एक्चुअली ना, मेरा ना घर चले जाने का प्लान था, बट वही मैं घर नहीं गई हूँ, फिर से लौट आई हूँ। और घूम के मैं लौट आई हूँ, माइंड भी फ्रेश हो गया, और थोड़ा सा मतलब घूमना फिरना भी हो गया, और दर्शन भी हो गए, और डॉक्टर भी दिखाना हो गया, चारों एक साथ हो गए। और घर जाती तो क्या होता मालूम है, वो मैं अभी जाती, फिर कुछ दिन बाद मैं लौट आती, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड को छोड़ के ज़्यादा दिन नहीं रहती हूँ। तो मैं लौट आती, फिर जाके पूजा में तो हमको जाना ही है, क्योंकि सितंबर में 18 को हम लोग चले जाएंगे। तो और कितना दिन बाकी है, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे या तुम वहाँ पे रह जाओ एक बार, मैं पूजा के टाइम पे जाऊँगी, मतलब जाऊँगा। तो वो उनके हिसाब से ठीक है, सबके हिसाब से ठीक है, बट 1 महीने तक मैं वहाँ पे रह के क्या करूँगी? यहाँ पे सब कुछ छोड़ के वहाँ पे रह के मैं क्या करूँगी ना? मेरे हस्बैंड का भी प्रॉब्लम हो जाएगा खाने पीने का, ये सब। तो
मैंने सोचा चलो ठीक है, 2 4 दिन या 1 हफ्ते होते तो भी ठीक है, 2 हफ्ते होते तो भी ठीक है, बट उससे ज़्यादा चाहे मैं अपने मायके में रहूँ या चाहे मैं ससुराल में रहूँ, मुझे उससे ज़्यादा रहना पसंद नहीं है। तो या मैं शाम को मिलती हूँ आपसे, अभी के लिए बाय, मैं तैयार हो के आपसे मिलती हूँ। सो या स्टे ट्यून, बाय बाय बाय। और ये है मेरे गोपाल जी की वस्त्र और गहने और बांसुरी भी है और बेड पे लगाने के लिए बिस्तर भी। और ये है कुछ फूल और माला। और ये प्रसाद है, माखन, दही, जलेबी, लड्डू, फल है और एक चॉकलेट भी रखा है मैंने। और ये काजू किशमिश और मिश्री और एक चॉकलेट रखा है मैंने। और यहाँ पे मैं उनको नहलाऊंगी, ये दूध, गंगा जल, दही, चंदन और उसमें कर्पूर रखा है। अभी मैं गोपाल जी को नहला रही हूँ पहले गंगा जल से, फिर हनी से, शहद से, अभी दूध से नहलाऊंगी। दही मैंने पहले ही डाल दिया था। अभी थोड़ा सा फूल अर्पण करूंगी। अभी थोड़ा सा ठीक करके रख के इसमें गंगा जल डाल के फिर धूप और बाती दिखाऊंगी। थोड़ा सा फोटो खींच रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि ये हमारा पहला जन्माष्टमी है, ऐसे मनाया जा रहा है। ये कुछ फोटोज है नहलाने के टाइम पे, मैंने उनको गोद में लिया हुआ है। हाँ, हम लोग झूला नहीं ले आए हैं क्योंकि कुछ मान्यता है जो हमने नहीं लाए हैं। मैं फास्टिंग की वजह से इतना थक चुकी थी कि मैं कुछ तैयार भी नहीं हो पाई। हाय। तो परसों था जन्माष्टमी, मैंने एक्चुअल में सोमवार को कर लिया था, 14 अगस्त में, और कोई 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 15 को भी कर रहा था, पर मैंने 14 को किया। और हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। उस दिन मैंने फुल डे फास्टिंग किया था। एकदम रात को 11 बजे के करीब मैंने खाया था, कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी मीन्स मैंने खाया था साबूदाना, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने 4 5 चम्मच खाए, फिर नहीं खाया, तो उसको ना खाना ही हो गया। तो या और फल वगैरह के बारे में मुझे याद नहीं आया कि फल वगैरह भी खा सकते हैं, बट मैंने नहीं खाया। तो रात को मुझे जो वीकनेस लग रही थी वो मैं ही जानती हूँ, और आज भी देख सकते हैं। और आज मुझे बहुत मतलब बुरी तरीके से खांसी हो गई है। मैंने अभी दवाई ली है, वो सिरप जो होता है खांसी के लिए, तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी खांसी थोड़ी सी कम है, नहीं तो मैं कल से कोई बात भी नहीं कर पा रही थी। मतलब एक सिंगल वर्ड बोलूँ तो खांसी आ रही थी, और मतलब चेस्ट में बैठ गया है वो। सो ये अच्छी बात नहीं है मेरे साथ। मतलब मुझे पहले ऐसा नहीं हुआ था कभी, और मैं थोड़ी सी येलो येलो दिख रही हूँ। और यस, और अभी जाके मैंने जो देखा, क्योंकि बहुत बॉडी पेन हो रहा था तो मुझे लगा, लेकिन मुझे खांसी आ रही थी, मैंने रोक लिया कि मुझे लगा कि शायद फीवर आ रहा है, क्योंकि बॉडी पेन बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी बुरी तरीके से बॉडी पेन कभी नहीं हुआ। फीवर मुझे बहुत कम होता था, बट या तो या अभी मुझे फीवर है 101 के करीब है।
101 पॉइंट समथिंग, तो या 101 के करीब है। तो मैंने कुछ खाना भी नहीं बनाया लंच में, मुझसे नहीं होगा। और मैंने सिर्फ दाल बनाया था तो उसको सूप की तरह खा लूँगी और नहीं। और दवाई लिया है, पैरासीटामोल लिया है, देखते हैं शायद उतर रही है, क्योंकि मुझे पसीना दे रहा है, पसीना तो शायद फीवर उतर रहा है। और हाँ, मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई है, ये लिप बाम है। और मैं इस तरफ से बात कर रही हूँ, इस तरफ देख के, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अगर हो पाता है तो मैं शाम को डॉक्टर के पास जाऊंगी, अगर नहीं कम हुआ तो। मेरा एक के बाद एक लगा रहा है, मतलब एक हो रहा है और एक स्टार्ट हो रहा है, मेनली। सॉरी सॉरी सॉरी, इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत कम हो गया है। आफ्टर सर्जरी होता है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। अभी भी 1 महीना बाकी है मेरे घर जाने के लिए, कब जाऊंगी? या मैं ऐसे बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, बट हो गया है अभी। अभी हो गया है तो ब्लॉग में तो बीमारी का जिक्र होगा ही ना, तो पता नहीं मैं इसके बाद ब्लॉगिंग कर पाऊंगी कि नहीं। या तो बातें के अलावा ब्लॉग होगा, या तो मेरे हस्बैंड सॉरी, या तो मेरे हस्बैंड वॉइस ओवर करेंगे। मैं फिर से सिर्फ खा लेती हूँ, नहीं तो बहुत खांसी हो रही है, बहुत इरिटेटिंग लगता है ऐसे खांस रही। वेट, मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है, शायद बुखार उतर रहा है, इसलिए मैंने फैन बंद करके रखा है ताकि उतर जाए। एक हाथ से नहीं खुल रहा है ये बहुत अच्छी सिरप है, ये एक हाथ से नहीं खुल रहा है। एक्चुअल मैं किसी को भी इंडिपेंडेंस डे में विश नहीं करती हूँ बचपन से। आज मेरा ब्लॉग नहीं आ पाएगा शायद। मेरा ये मानना है कि हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया है, फ्रीडम अपने हिसाब से अपने आप में है। आप अपने आप से पूछो तो आप अपने अपने आप समझ जाओगे कि आप कितना फ्री हो। और या जन्माष्टमी, ये मेरा जन्माष्टमी वाला ब्लॉग जो है थोड़ी देर से जा रही है, क्योंकि यू नो व्हाट, मैं बार बार बताने नहीं चाहती क्यों लेट से जा रही है। कितनी स्वेटिंग हो रही है मुझे, तो या शाम को मिलते हैं अगर होता है तो। अगर मेरी तबीयत और ख़राब हो गई तो पता नहीं, अभी खांसी तो बहुत आ रही है और अकेली हूँ ना, और भी ज़्यादा डर लग रहा है। कॉलोनी में रहती तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। चलो बहुत टाइम तक बक बक कर लिया है, बाद में मिलते। मैंने सोचा था मैंने बनारस से जो कुछ खरीदा है आपको दिखाऊं, बट बात नहीं हो पा रही है तो कैसे दिखाऊंगी क्या क्या है। बट मैं ट्राई करूंगी। मैं बहुत ज़्यादा स्वेट कर चुकी हूँ, अभी चेक करते हैं कितना है मेरा फीवर। 1 घंटे पहले वो चेक किया था, 101 थी,
चलो लंच कर लेते हैं। लंच मीन्स दाल, और नहीं खाऊंगी मैं कुछ। बाय।